देखिए, ये आज पहली बार नहीं है कि हम लोग हिंदी सेल की तरफ से यहाँ राशन बांटा जा रहा है। हिंदी सेल पिछले जब से मुझे लगता है कि लॉकडाउन हुआ है तब से ही हम लोग विभिन्न जगहों पर सभी वार्डों के अंदर में, हर जिलों के अंदर में, जहाँ जहाँ हमारी कमेटियाँ हैं उन सब कमेटियों के माध्यम से हम लोग ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं खाना बनवा करके इस तरह की सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और ये अब तो लॉकडाउन पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हिंदी सेल हर जगह पर जा जाकर, जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ पर हम लोग राशन और उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। 39 नंबर वार्ड में विशेष तौर पर अभी इस महीने में यहाँ पर ज़्यादा ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में जिन जो भी यहाँ के हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो भाई बहन हैं, माताएं बहनें हैं, वो उन सब के बीच में हम सब ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। सब सारे दिन रोजे से रहते हैं तो शाम को उन्हें रोज़ा खोलने के वक्त ये महसूस नहीं हो कि हमारे पास कोई खड़ा नहीं और हम अपने त्यौहार को अच्छी तरह से मना नहीं सकते हैं। उस समय हमारे भाई मोहम्मद माजिद उनके साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिला करके और व्यवस्था करते हैं उन सब रोजेदारों के लिए कि वो सब अच्छी तरह से रोजे मनाएं। और अब तुरंत ही 10 दिनों के बाद ईद भी है तो ईद भी हम सब बहुत अच्छे तरह से मनाएंगे यहाँ पर सभी लोग। उस समय भी किसी के घर में इस वजह से ईद में विघ्न नहीं पड़े, ईद मनाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो कि उनके घर में किसी चीज़ की असुविधा हो, इस बात का भी हम सब ख्याल रखेंगे और इसकी खबर लेकर भी और ईद के पहले भी बड़े पैमाने पर फिर से ये कार्यक्रम किया जाएगा ताकि सबका ईद अच्छे से मन सके। हिंदी सेल 39 वार्ड के अलावा बंगाल के किन किन प्रांतों में, हर एक प्रत्येक हिंदी भाषी जिलों में जहाँ जहाँ हमारी कमेटियाँ बन चुकी हैं, आसनसोल हो, दुर्गापुर हो, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना के विभिन्न जगहों पर, सभी जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, जहाँ हम लोगों ने कमेटियाँ बनाई है, हिंदी भाषी तो सभी जगह हैं मगर कमेटी जहाँ जहाँ हम लोग की बन चुकी है, जहाँ पर हम लोगों ने अपना कन्वेनर नियुक्त किया हुआ है, उन सभी कन्वेनर ये सारे लोग अपने अपने इलाके में काम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और सारी रिपोर्टिंग हम लोगों को मिलती है। कई जगह हम लोग गए भी उनके कार्यक्रमों में, बहुत अच्छी व्यवस्था उन लोगों ने की थी और हम लोगों ने निर्देश भी दिया है कि हम सब जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक हिंदी प्रकोष्ठ के जो भी लोग हैं वो सभी अपने इलाके में अपनी आम जनता के बीच में रहेंगे। यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है कि हुगली जिला का एक इलाका है, भद्रेश्वर और तेलनीपाड़ा, वहाँ पर पिछले 4-5 दिन से हालात बहुत अच्छे नहीं है और आप हिंदी सेल को आप रिप्रेजेंट करते तो हिंदी भाषी के सैकड़ों लोगों का घर जो है जल चुका है, क्या हिंदी सेल ऐसे लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश करेगा वहाँ जाके? देखिए, प्रशासन से अभी इस बात की मनाही है, हम लोगों ने प्रशासन से बात किया था कि हम लोग तेलनीपाड़ा में जा कर के और वहाँ पर वहाँ जो लोग हैं उनकी मदद करें। वहाँ जो घटना हुई वो घटना बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय घटना है और इस घटना को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक खेल खेलना शुरू किया है, हम सब निवेदन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कि ये समय अभी राजनीतिक खेल खेलने का नहीं है। वहाँ पर एक गलतफहमी में एक माहौल ऐसा बना जिस माहौल की वजह से कई लोगों के घर जले, वहाँ पर एक दंगा का रूप ले लिया था। वहाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर जा कर के और वहाँ आग फैलाने का काम शुरू किया था मगर प्रशासन ने उन सबको रोक दिया, रास्ते में किसी को जाने नहीं दिया। तो ये हम सब का भी फर्ज बनता है कि जब प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोकती है वहाँ जाने से तो हम सब भी वहाँ नहीं जाएं, ताकि वहाँ एक ऐसा संदेश न जाए कि प्रशासन बिल्कुल निरपेक्ष रूप से अपने तृणमूल के लोग। वहाँ भाजपा के दो नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक वहाँ की नेत्री है, कुछ बार के नेता है, आपके पिता जाके किस जमाने हम जानते हैं वहाँ पर लॉकेट चैटर्जी, वो कह रहे हैं कि ये पुलिस करवा रही है और जानबूझकर हिंदू जो समाज है उनको मारा जा रहा, लूटा जा रहा, क्या कहिए? देखिए, लॉकेट चटर्जी हैं वहाँ पर और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को तुल पकड़ाया और हमारे ही समाज के एक सांसद जो पहले हमारी पार्टी में हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे और मैं सम्मान के साथ उनसे कहना चाहूँगा कि ये समय उचित नहीं है कि हम सब हिंदी भाषियों के नाम पर कम से कम बंगाल के अंदर में कोई ऐसा काम करें। जब बात हिंदी भाषियों की हो तो उस समय मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदी भाषी नेता हैं वो कोई राजनीति न करें, हिंदी भाषियों की जहाँ हित की बात हो वो करें,
चाहे वो भाजपा करने वाले हो या आज यदि कोई हिंदी भाषी व्यक्ति वो भाजपा करता हो और उसके घर में आग लग जाती है, लूटपाट होता है और मैं वहाँ नहीं जाऊँ तो मैं हिंदी भाषी कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो इसलिए हिंदी भाषियों के ऊपर जब कोई आफत आए तो उस समय कम से कम हिंदी भाषी होने के नाते आप राजनीति नहीं करें, उनके हित की बात सोचें। आप जाकर वहाँ पर उसे राजनीतिक दंगा का रूप दें, ये उचित नहीं है। आप प्रशासन से निवेदन करें और प्रशासन अपना काम कर रहा है वहाँ पर, तो जाकर के खामखा वहाँ पर, हम लोगों ने जाकर वहाँ पर कोई भी राजनीतिक लाभ उठाने का काम नहीं किया, तो आप वहाँ पर जाकर क्यों उस चीज़ को उसे गंदा कर रहे हैं। इस वार्ड में आप आज फिर एक बार आप राशन बांट रहे हैं इफ्तार के, रमजान के तल्लुक से, क्या कहिए? कहना क्या है, हम तो पहले भी जो कह चुके हैं कि हम लोग कंटिन्यू नॉर्थ कलकत्ता तृणमूल कांग्रेस हिंदी सेल की तरफ से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद भाई बहन हैं सबके बीच में खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं। तो आज आपने कितने लोग को राशन बांटा है? आज हम लोगों ने 75 घरों में 75 लोगों के बीच में राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। चावल है, चना है, दाल है, तेल है, आलू है, प्याज है, ये सब मिला। तो कुल इस वार्ड में अभी तक कितने लोग को आप लोगों ने? वो तो बोल नहीं सकेंगे कितने लोगों में कंटिन्यू हम, मुझे लगता है कि इस वार्ड में अभी तक हम लोगों ने करीब 6 या 7 टाइम कर चुके हैं। सिर्फ इस वार्ड में? तो आप तो पूरे उत्तर कलकत्ता TMC हिंदी सेल के कन्वेनर है, यहाँ से क्या मैसेज देंगे? यहाँ से एक ही मैसेज देना कि देखिए अभी जो लॉकडाउन का चल रहा है और ये जो कोरोना महामारी है, तो अभी जिनके सामर्थ्य में जो है और जितना हो पाए सभी अभी ज़रूरतमंदों और गरीबों के बीच खड़े रहें, यही मेरी अपील है। और सभी भाइयों बहनों से यही रिक्वेस्ट है और अपील है कि सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सब कुछ करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगे इस पर ध्यान दें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। BJP ये कहती है कि बंगाल में लॉकडाउन बोल के कोई चीज़ नहीं, क्या कहती है? BJP क्या कहती है इससे कोई मतलब ही नहीं, BJP को सीरियसली कौन लेता है? BJP सिर्फ कहती ही है, कुछ करती नहीं है। उनका 18 सीट है बंगाल? अरे 18 सीट है वो, देखिए झूठ और एक हवा हवाई का एक सीमा होता है, हर एक आदमी कभी न कभी फर्स्ट टाइम ये झूठ के चक्कर में दिखावा के जाल में फंसता है। पब्लिक को सब समझ में आ गया कि उन लोगों ने क्या गलती किया है, ठीक है, और आने वाले टाइम में BJP को उनका जवाब और रिजल्ट दोनों मिल जाएगा। आज जो आपने राशन बांटा यहाँ से 39 वार्ड के लोगों को आप क्या पैगाम दें? 39 नंबर वार्ड में देखिए ऐसा है कि हम अपने भाई बहन के बीच हैं और यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और वो लोग जानते हैं और सब समझ रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। हाँ, मेरे समझ में जितना हम उनके लिए हैं, खड़े हैं, साथ में हैं और रहेंगे। बहुत यही है कि हम लोग 13 मार्केश्वर में रहते हैं और हम लोग को नाम लिख के लेके जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं देते हैं। माजिद भाई है यहाँ पर ही कि हम लोग को बुला के घर पर हम लोग को जाके फोन करके बुलाते हैं, बुला के ये लेके हम लोग को रोजा का सामान सारा हम लोग को मिल रहा है और नाम लिख के हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिल रहा। क्या बोले? बोलो वही बात बाबू, सारा सामान माजिद भाई के वजह से।